खाला वालों को छोड़ने के बाद अब मैं जा रहा हूँ घर। ऐसे वो खड़े होकर अपनी वीडियोस बना रही हैं टिकटॉक वगैरह। हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आपका भाई रोज सुबह की तरह उठ चुका है। आज भी ज़बरदस्ती उठाया नहीं गया, एक किस्म का उठाया ही गया है। आज दोस्त की कॉल आ गई थी कि आज जाना कॉलेज लाजमी, क्योंकि आज कॉलेज में टेस्ट है, राउंड है, सॉरी बल्कि पेपर है एक किस्म का। तो अब चलते हैं कॉलेज, रेडी होते हैं, बाहर सर्दी भी लग रही है तो कॉलेज के लिए रेडी होते हैं और फिर मिलते हैं। तो अब मैं रेडी हो चुका हूँ, तो अब करते हैं दोस्तों कॉल कि चलो भाई कॉलेज चलते हैं, रेडी हो गया हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। तो अब ये आ रहा है मेरा दोस्त मुझे लेने, तो चलते हैं कॉलेज। कॉलेज जाके देखते हैं कौन सा टेस्ट है। ये तो पढ़ने वाला बच्चा जिसको मैंने अभी कॉल किया तो गाइड लेगा माशाल्लाह से, बाकी हम मैं पढ़ते ही नहीं हैं। तो अब कॉलेज जाते हैं, देखते हैं, क्योंकि ये एडमिशन टेस्ट है। अगर ये टेस्ट ना दिए क्लियर तो उसके बाद दाखिला नहीं जाएगा। तो देखते हैं फिर, अल्लाह खैर करेगा, आज भी दिखा के अपने से लिख देंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। बाकी अल्लाह हाफिज, मिलते हैं कॉलेज से आके, क्योंकि मोबाइल अलाउ नहीं है वहाँ पर। फिर मिलते हैं एक ही दफ़ा। 5 hours later। और कॉलेज से वापसी पर मुर्गों की और इतनी लड़ाइयाँ, फिर आपके भाई ने वो मज़े से देखी। तो अब चलते हैं घर, रेस्ट करते हैं। आपके भाई बहुत ज़्यादा थक गया, इतना बड़ा पेपर लिख गया है, वो भी अपने दिमाग से अपने से, इसका मतलब मेरा मतलब ये था। तो अब चलते हैं घर, जाके रेस्ट करते हैं। 1 hour later। और अब मैं आ गया था घर, घर खाना वगैरह खाया, फ्रेश हो गए, वो नाश्ता वगैरह, सॉरी नाश्ता करके सो गया था। फिर अब उठा हूँ तो घर वाले कहते हैं खाना वगैरह लेके आओ, क्योंकि वो खाला आई है मेरी लाहौर से, तो उनके लिए बाहर से खाना भी लेके आना है और आज उनको छोड़ने भी जाना है। तो फिर चलते हैं, खाना वगैरह लेके आते हैं और फिर फ्रेश होते हैं, मिलते हैं आपसे। मेरा कुछ खाने का दिल नहीं था, फिर आपके भाई ने पेट भर के खाया पास्ता। और फिर चलते हैं इनको छोड़ने। 1 hour later। और अब मैं आ गया हूँ स्टेशन, ट्रेन आई नहीं है अभी तक, इसका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर ट्रेन आएगी, ट्रेन को ट्रेन में बिठाएंगे, फिर मिलता हूँ आपसे। A few moments later. और स्टेशन वहाँ से दूसरी साइड से आना था, टैची में उठा के आ गया हूँ, बड़ा थक गया हूँ यहाँ पर, क्योंकि सामान मैं उठाता हूँ इनका, मैं सामान वाला जो हूँ। अब यहाँ पर ट्रेन के गेट के बाहर खड़ा हूँ, अच्छा व्यू आ रहा है। फिर मेरे ख्याल से 4 बजने वाली है, यहाँ से चलते हैं अकेडमी, अकेडमी भी जाना है, क्योंकि आपका भाई पता पढ़ने वाला बच्चा है, सुबह टेस्ट वो दिया है कॉलेज में राउंड, सारा अपने से लिखे इंग्लिश का, एक लफ्ज़ भी नहीं आता था। तो चलते हैं यहाँ से थोड़ी देर तक उनको छोड़ के, ये 4 बजे ट्रेन चलनी है, फिर वो चल जाए, फिर चलते हैं यहाँ से। वो खड़े होकर अपनी वीडियोज़ बना रही हैं टिकटॉक वगैरह, तो मैं यहाँ खड़े होकर अपना व्लॉग बना रहा हूँ। अब खाला वालों को छोड़ने के बाद अब मैं जा रहा हूँ घर। हमने वापस के लिए प्लेटफॉर्म लिए थे, किसी ने चेक ही नहीं किए तो ऐसे ही ज़ाया हो गया इसका मतलब। तो चलते हैं अब अकेडमी सीधा, क्योंकि अकेडमी से मुझे लग रहा है कि मैं लेट हो गया हूँ, तो फिर एक दफ़ा अकेडमी जाके ही मिलता हूँ। 3 hours later। अब मैं आ गया था घर एकेडमी से, एकेडमी से आया, फ्रेश वगैरह हुआ, घर वालों ने कहा फिर खाना लेके आओ, अब खाना लेने जाएंगे बाहर। और ये भाई का फर्स्ट व्लॉग आ रहा है, वेरी गुड, फनी व्लॉग है समझो इसका। तो वो बस फिर एडिट कर रहा हूँ मैं, खुद कर रहा हूँ, उसको तो कोई कुछ आता नहीं है। तो फिर अब मैं जा रहा हूँ बाहर खाना लेने, तो वो मिलते हैं फिर आके। वो रास्ते में हमें यखनी नज़र आ गई, वो यखनी लेते हैं और फिर पानी भरवाते हैं, फिर चलते हैं घर। और अब मैं आ गया हूँ घर, तो बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे बुखार भी हो चुका है सर्दी की वजह से। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाकी जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।